आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए बताते हैं कि बच्चों को चप्पल पे मोजा कैसे पहना है। तो चलिए, पुराना मोजा था उसको बना रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसको अंगुली और अंगूठे के बीच में कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए, यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ और दोनों मोजे में कटिंग करना है। दोनों मोजे में अंगुली और अंगूठे के बीच में कटिंग करना है और उसके बाद से इसका सिलाई करेंगे। हाथ से सिलाई करेंगे क्योंकि मशीन से सिलाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पकड़ के सिलाई करना पड़ता है, तो इसलिए हम हाथ से सिलाई करेंगे। और आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखिए, मैं कटिंग सिलाई कर रही हूँ और सिलाई करके और आपको दिखा रही हूँ कि दोनों सिलने के बाद कैसा लग रहा है। और बच्चों को बार बार आप सैंडल और जूता नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चे बार बार निकालते हैं, तो ऐसे सिल लेंगे तो चप्पल भी पहन लेते हैं बच्चे अपने से, तो सही रहता है। तो इसीलिए मैंने सिल ली हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो बार बार सैंडल निकाल के इधर उधर जूता चली जाती है और चप्पल अपने से पहन के घूमती है, तो ऐसे रहेगा तो सही रहेगा। तो देखिए, मैंने सिल लिया है दोनों, और सिल के उसके बाद पहना के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, पहनाने के बाद से अब वो अपने से खुद से पहन के अब चारों तरफ से घूमती है, अब दिक्कत नहीं होता है उसको।